50 साल का एक्टिंग करियर, फिल्में, टीवी शोज, धारावाहिक और थिएटर, 3-3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कुछ ऐसा रहा है पल्लवी जोशी के जीवन का सफर। चलिए आज इस सफर को करीब से जानते हैं, समझते हैं जिंदगी विद ऋचा में। पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी त्रिचा में। थैंक यू ऋचा, सो लवली बीइंग हियर। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे हम, लेकिन आज मौका आ ही गया। मैं सबसे पहले आपसे जिस सवाल से शुरू करना चाहती हूँ ना, मैंने 18 साल की उम्र में काम शुरू किया था और अब कई बार ऐसा लगता है बहुत हो गया, अब रिटायर किया जाए, अब हो गया, बहुत हो गया, बहुत जल्दी। अब मैं लोगों से बताती हूँ, पता है 18 साल की उम्र से काम कर रही हूँ और आप 10 साल की उम्र से काम कर रही हैं। पांच साल की उम्र से काम कर रही हैं, तो अभी तक पल्लवी जोशी थकी नहीं है? कभी रिटायर होने का ख्याल मन में नहीं आता? इस सवाल का जवाब मैं देने से पहले एक बात और बता दूं कि न सिर्फ 5 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया है, बल्कि ये साल जो है ये दिस इज़ माई 50th ईयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। माई गॉड। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब भी कोई बचपन की बात करता है, तब के प्रोजेक्ट्स की बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कौन से जन्म की बात हो रही है। और आज भी ऐसा लगता है कि देर इज़ अ लॉट आई कैन डू, मैं और भी कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ और अंदर है जो अभी और किसी कैरेक्टर के थ्रू बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, मतलब इसका मतलब तो यह है कि रिटायरमेंट के बारे में तो अभी सोचा नहीं है। 5 साल की उम्र में जब आपने अपनी पहली फिल्म की, तो उसके पीछे की कहानी बड़ी मज़ेदार थी। बड़े भाई की वजह से आपने फिल्मों में कदम रखा। चाहते हमारे व्यूअर्स को वो कहानी बताएं। एक्चुअली आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं वो कहानी कहूँ तो मुझे खुद को हंसी आ जाती है, लेकिन हुआ यूँ कि मेरे बड़े भाई अलंकार, तब मास्टर अलंकार के नाम से जाने जाते थे, और फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत सारे हुए हैं लेकिन चाइल्ड स्टार बहुत कम हुए हैं, एंड ही वाज वन ऑफ देम। तो हम लोग ऐसे ही कभी, मेरे ख्याल से दिवाली की शॉपिंग के लिए हम गए थे, एंड दादा का मतलब गाड़ी से उतरना तो सवाल ही नहीं था। तो मेरे माँ और पिताजी ने कहा कि गाड़ी में ही बैठे रहो दोनों, तो वो निकल गए और मैं और दादा हम लोग पीछे बैठ गए। इतनी देर में किसी एक आदमी ने उनको पहचाना, तो उसने कहा अरे मास्टर अलंकार है, मास्टर अलंकार है। करते करते 2 आदमी हो गए, 4 आदमी हो गए, और फिर एक बार भीड़ इकट्ठा होने लगती है तो सबको देखना होता है अंदर क्या है, और मैं सब लोगों को देख रही हूँ। सब लोग कह रहे हैं मास्टर अलंकार, मास्टर अलंकार, मास्टर अलंकार। किसी तरह आई और बाबा दोनों, माँ और पिताजी मेरे आए, गाड़ी में बैठे, और मैं अपना सोचती रही। मैंने कहा इतने मतलब इल मैनर्ड लोग हैं, इनको कुछ सिखाया नहीं इनके घर वालों ने, मैं बगल में बैठी हूँ, एक आदमी ने नहीं कहा पल्लवी। तो माय फादर स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड तुमको कोई जानता है? बोल भी दिया मैंने। मैंने कहा ऐसे कैसे सब लोग अलंकार अलंकार कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ बगल में। तो बाबा ने कहा कि तुम फिल्म ही नहीं करती इसलिए लोग जानते नहीं तुमको। अच्छा, तब तक मुझसे कई बार वो पूछ चुके थे, लेकिन मुझे तब आर्किटेक्ट बनना था। मुझे शायद वो टर्म नहीं पता था आर्किटेक्चर, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे घर बनाने हैं, और घर के अंदर मतलब घर सजाने हैं और नए घर बनाने हैं। बट उस बात के बाद, मतलब उस किस्से के बाद, मैंने फिर थोड़ा सा सोचना शुरू किया, और फिर मैंने बाबा को बोला मुझे काम करना है, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट टू माई ब्रदर। और जब मैंने अपनी पहली फिल्म की तो इट वॉज़ अ बाइलिंगुअल फिल्म, गुजराती और हिंदी। तो हिंदी में वो बहुत बुरी तरह पिट गई फिल्म, लेकिन गुजराती में वो सिल्वर जुबली हिट हो गई। उन दिनों तो वो जुबलीज हुआ करती थी, आज की तरह वो वीकेंड नहीं हुआ करते थे। तो उसमें सचिन और सारिका वर द लीड पेयर, तो सारिका के बचपन का रोल किया था मैंने। एंड फॉर दैट फर्स्ट फिल्म आई गॉट द बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट, और वो लेने के लिए हम अहमदाबाद पहुँचे। तो थिएटर में फिल्म चल रही थी, तो वो मैनेजर को कहीं से खबर लग गई कि हम आए हैं, तो हमें बुलाया उन्होंने वहाँ पे, और इंटरवल तक हम बैठे। उसके बाद मेरा रोल ख़त्म हो जाता है उसमें, तो हम लोग निकल रहे थे। तो जैसे ही हम बाहर गाड़ी में बैठे तो किसी एक ने मुझे पहचान लिया, फिर वो गुजराती में शुरू हो गया, आजो आ नानी बेबी पल्लवी छे, कितना सरस काम करी उसने। और मैं तो, मुझे ऐसा लगा कि मुझे सातवां आसमान मिल गया, सब सपने पूरे हो गए। बस एक ही बात का रंज था कि दादा थे नहीं देखने के लिए, वो बम्बई में थे।
और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि मैं होटल पहुँचते साथ मैं कूदने लगी टेबल से सोफे पे, सोफे से बेड पे, और बाबा मुझे कहते रहे मत कूदो मत कूदो लग जाएगी। और हुआ यही, वो टेबल सरक गई, मैं गिर गई नीचे और मेरा पैर स्प्रेन हो गया और वो अवार्ड लेने के लिए मैं ऊपर जा नहीं पा रही। तो मुझे इतना, मैं रो रही थी ऑडियंस में बैठे बैठे। सो माई फादर फाइनली पिक्ड मी अप और मुझे वो स्टेज पे ले गए। तो मैंने वो मेयर के हाथ से मैंने अवार्ड ले लिया बाबा के गोद में ऐसे ऐसे करके। सो दिस इज हाउ आई एंटर्ड फिल्म्स। आई मीन इट वाज, इट्स रियली फनी व्हेन यू लुक बैक। लेकिन आप और आपके भाई भी फर्स्ट जनरेशन एक्टर्स नहीं थे, ये कहीं ना कहीं फैमिली में चला आ रहा था। थोड़ा सा अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए हमको। सो ये सब फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ मेरी नानी से। उनका नाम था विमल घरसास और मराठी स्टेज से जुड़ी हुई थी वो। उन्होंने काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी लेखिका थी, बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी वो। और मेरे नाना जी और नानी दोनों कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत काम किया। वो कैनवसिंग वगैरह करते थे छोटे छोटे गांव में जाके। तो मेरी नानी उनके लिए वो कविताएं लिखती थी, उसको मेरी माँ चूँकि वो म्यूज़िक सीखी थी और सिखाती भी थी, सिंगर थी खुद, तो वो धुने बनाती थी और वो ऐसे गाने गा गा के वो लोगों को, मतलब यू नो क्या कहते हैं वो, जागरूकता फैलाना, वैसे उस तरह का बहुत काम उन्होंने किया है। एंड उन्होंने काफ़ी सारा थिएटर किया, फिल्में की। सो नेचुरली उनकी दोनों बेटियाँ, मेरी माँ और मेरी मौसी, वो भी इसी फील्ड में आए। माई मदर वॉज अ सिंगर, माई आंट वॉज इज़ अ कथक डांसर। तो और उन्होंने फिर फिल्में भी की, थिएटर भी करने लगी वो। क्या बात है। और आपके फादर? मेरे पिताजी प्लेराइट रहे पूरी ज़िंदगी एंड ही वॉज अ ड्रामा प्रोड्यूसर। ही स्टार्टेड ऑफ विथ द ग्रेट बाल गंधर्व, उनकी नाटक कंपनी में वो काम करते थे पहले। तो सभी लोग मतलब जीन्स में ही है, तो डीएनए है एक्टिंग। मतलब ऐसे ना ऐसे आना ही था। एंड नाउ आर फोर्थ जनरेशन, मेरे बच्चे अलंकार के बच्चे, उसकी दोनों बेटियां अभी एक्टर हैं। मेरा बेटा और बेटी दोनों इसी फील्ड में हैं। और मेरी बड़ी बहन जो है उनका बेटा भी इसी फील्ड में है, वो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो अभी जिंगल्स वगैरह करता है। अरे वाह। और कितना आसान, ये मतलब आसान रहा होगा ना उस समय जब आप लोग आए होंगे अलंकार या आप, तो कोई रोकने वाले वो सोच नहीं रही होगी कि नहीं नहीं बच्ची फिल्म में नहीं जाएगी या? हाँ, नहीं उस तरह का नहीं था, लेकिन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था घर से कि परफॉर्म करना है। मतलब जो बाकी लोग शायद यहाँ की चमक दमक देख के आते हैं और सब मन में एक ख्वाहिश लेके आते हैं कि हमें स्टार बनना है। स्टार क्यों बनना है? क्योंकि पैसे कमाने हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना है, लोग हमें देख के सलाम ठोके और यू नो ये सब ऐशो आराम की ज़िंदगी। लेकिन हमने जब भी कभी ज़रा सी भी कहीं टेंट्रम्स वगैरह दिखाने की हमने कोशिश की तो हमको वहीं पे बिल्कुल रोक दिया गया। मतलब ऐसे धरती पर उतार दिया जाता था एक सेकंड में। कोई इंसिडेंट है याद? मैं ये शूटिंग चल रही थी, मेरे ख्याल से मृगनैनी की शूटिंग कर रही थी मैं और मेकअप कर रही थी। तो मुझे असिस्टेंट आया बुलाने और मुझे वो आँख वाँख मैंने कुछ उसमें अलग तरह से की थी तो मुझे टाइम लगता था मेकअप में। तो 9 बजे की शिफ्ट में वो 11 बजे आया बुलाने, तो मेरा ख़त्म ही हो रहा था मेकअप। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी शॉट देने, मैं 9 बजे से आई हूँ, किसी ने मुझे चाय भी नहीं भेजी अभी तक। कहते अरे क्या बात कर रही हैं आप, अभी बिल्कुल मत आइए नीचे, मैं अभी चाय भिजवाता हूँ, जब चाय पी के ही आना नीचे, ऐसे करके निकल गया वो। अच्छा, इट वॉज आई मीन जस्ट अ जोक, ऐसे नहीं कि मैं नहीं जाने वाली थी। मेरे पिताजी पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा क्या कहा तुमने अभी? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही हमारे टाइम पास चलता रहता है। तो कहते ये टाइम पास की बात नहीं है, एकदम चेहरे पर जो रंग लगा है ना वो पहले कैमरे के सामने जाओ, एक शॉट दो, अपना दिन पहले सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करो, अपने काम पे जाओ, काम करो, उसके बाद जितने नखरे करने हैं ना वो कैमरे के पीछे करना।
तो आई टर्न्ड अराउंड, आई सेड बाबा दिस इज जस्ट अ जोक, आई मीन डोंट टेक इट सीरियसली. आई सेड नहीं, जोक में भी ऐसे नहीं कि मैं शॉट नहीं दूंगी, ये तुम्हारे मुंह से कभी आना नहीं चाहिए. इतना सा मुंह बना के फिर पूरा दिन काम किया मैंने. बट दिस वाज ऑलवेज द केस. जैसे एक एक बार की और मुझे बात याद है, हमारे डिनर टेबल डिस्कशंस जो होते थे वो बड़े ख़तरनाक होते थे. तो तब जैसे फिल्म की ट्रायल वगैरह हुई, उसके बाद डिनर टेबल पे बैठ के हम सब लोग बात किया करते थे उसके बारे में. तो मैंने एक फिल्म की थी त्रिशाग्नि, तो वो देखने के बाद सब बैठे थे, सब तारीफ वारीफ हो रही थी, बहुत अच्छा किया तुमने, और उसमें वो तुम्हारा वो कॉस्ट्यूम बड़ा अच्छा था, या सब अच्छा 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 शुरू हुआ. सडनली शुरू हुआ एक एक करके कि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि तुम जो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा बन सवर के खड़ी थी, वो ऐसे डेजर्ट की कहानी थी, वो थोड़ा सा रफ लुक चाहिए था उसमें करके एक 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 निकलने लगा. सडनली मैं नानी सेड, एक वहाँ पे एक सीन था कि जिसमें वो नितिश को फोर्सिबली मंक बना दिया जाता है और उसके बाल शेव हो रहे हैं, और वो मैं देखती हूँ और मैं कमरा बंद करके मैं बैठ जाती हूँ नीचे रोते हुए. तो उन्होंने कहा तुम वो जो बैठी ना, वो जो शॉट में जहाँ पे उसका सर शेव कर रहे हैं, उसमें मुझे थोड़ी कम लगी इंटेंसिटी. तो मैंने कहा बारीकी से गर्म, तो मैंने कहा हाँ 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 राइट राइट. उस वक्त पता है क्या हुआ, अंधायुद्ध की मेरी शूटिंग थी और वो दयाल का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था और मुझे जाना था वहाँ पे, और ये मुझे छोड़ नहीं रहे थे. तो वहाँ वो प्रोडक्शन वाले सेट पे आए थे मुझे लेने के लिए, और मैं बहुत टेंशन में थी उस वक्त कि मुझे जाना है करके. तो याया ने, याया कहते थे हम नानी को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा हाँ फिर देन इट्स ओके. एक काम करते हैं, डायरेक्टर को बोल देते हैं कि नीचे सबटाइटल दे दे कि तुम टेंशन में थी इसलिए तुम्हारी परफॉर्मेंस कम रही वहाँ पे. ओके, तो ऐसे पटाक करके एकदम जमीन पर कभी कभी स्पेयर नहीं किया गया हमको. बट इजंट दैट नाइस, इट्स वंडरफुल. आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल कि घर से ही अगर आपको ऐसा क्रिटिसिज्म मिले तो आप कभी अपने काम को लेके आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते. और शायद इसीलिए वो एक जो हार्डवर्क करने की जो एक तमन्ना रही है हमेशा, वो कभी कम नहीं हुई. ये हार्डवर्क के साथ साथ जैसी आप अभी भी दिखती है ना, मुझे लगता है आपकी आपकी पर्सनैलिटी, अब आज मुझे पता चल रहा है कि ये किस वजह से है. नहीं तो इतना लंबा किसी का करियर हो, तीन तीन नेशनल अवार्ड्स हो, तो बिहेवियर में बहुत बदलाव आ सकता है, इंसान बदल सकता है. लेकिन अगर शुरू से वो संस्कार दिए गए हों तो फिर आप करेक्ट, ठीक रहती है. नींद सही होनी चाहिए, जरूर ठीक रहती है. अलंकार जी ने बहुत फिल्में की पर उसके बाद छोड़ दिया. हाँ. और दूसरी तरफ आप लगी रहीं अपना चलती रहीं. ये कैसे हुआ दोनों में फ़र्क? हमारी इंडस्ट्री में आपने अगर देखा हो तो ज़्यादातर जो भी चाइल्ड स्टार रहे हैं, लड़के खासकर, उनका बड़े होने के बाद उनका कुछ करियर बना. हाँ, और ज़रूरी नहीं कि वो सफल भी हों बहुत. हाँ, क्योंकि एक प्री रिक्विजिट जो होता है एक चाइल्ड एक्टर को, वो बहुत ही क्यूट दिखना होता है. अब बड़े होने के बाद आपको जब हीरो चाहिए तो वो हीरो तो हैंडसम होना चाहिए, तो वो डैशिंग होना चाहिए. अब ये बेचारे वैसे ही चॉकलेट बॉय बन जाते हैं, तो इसलिए शायद इनका करियर कहीं उस दिशा में जैसे होना चाहिए हुआ नहीं. आप सचिन का किस्सा ले लीजिए, अब जूनियर महमूद का किस्सा ले लीजिए, इतने बेहतरीन एक्टर सत्यजीत, दे वर सच वंडरफुल चाइल्ड एक्टर्स, इवन मास्टर राजू फॉर दैट मैटर, बट आफ्टर दे ग्रू अप एक हुआ नहीं. और दादा का स्ट्रगल तो मैंने अपनी आँखों से देखा है. बहुत अनफॉरगिविंग इंडस्ट्री है ये, और मैं इसीलिए आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ वेरी डिटैच्ड फ्रॉम इट. दादा जब मतलब बहुत बड़े जब स्टार थे तो उनके हर बर्थडे पे इतने बुकेज आते थे घर पे, इतने चॉकलेट्स आते थे बचपन में, दिवाली में बुकेज आते थे, गिफ्ट्स आ रहे हैं, मतलब दुनिया भर का ऐसे लगता था कि हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई व्यक्ति है ही नहीं इस धरती पर. और धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े होने लगे, एक ऑकवर्ड एज आ जाती है, वो बच्चे नहीं, तो मूछें निकलने लगी, तो उस ऑकवर्ड एज में फिर काम भी बंद हो गया क्योंकि ही वॉजंट लुकिंग अ चाइल्ड एनी मोर. तो धीरे धीरे वो बुके भी बंद हो गए, फिर वो गिफ्ट्स कम होने लगे, फिर
होते होते वो भी बंद हो गए। अब नए सिरे से आप शुरू करो, जिनके साथ आपने इतने सालों से काम किया है, जिन्होंने आपको बिल्कुल स्टार की तरह ट्रीट किया है, आप उनके पास जाओ और काम मांगने, तो वो कहीं पे बहुत ज़्यादा आपको तोड़ देता है अंदर से। तो दादा ने बहुत कोशिश की लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था, और फिर उस वक्त पे देन ही गॉट इन टू कंप्यूटर्स एंड वो कुछ लैंग्वेजेस वगैरह शुरू की उसने। और फिर नमिता मेरी भाभी जो है वो आई उनके जीवन में, फिर प्यार हो गया और वो वहीं रहती थी। सो देन ही टुक अ डिसीजन कि मैं अमेरिका चला जाऊँगा, एंड दैट्स हाउ ही लेफ्ट एंड ही जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही कि बहुत ही अनफॉरगिविंग इंडस्ट्री है ये। कभी आपको अपने किसी एक्सपीरियंस से ऐसा फील हुआ कि नहीं, क्योंकि आई डोंट बिलोंग हियर, या ये जैसे आपने कहा मैं डिटैच रहती हूँ? हाँ नहीं, आई हैव नेवर बिलोंग हियर, मतलब मैंने कभी अपने आप को, आई मीन आई एम पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन ये इंडस्ट्री मेरे लिए कभी कुछ करेगी या मेरे पीछे खड़ी होगी या यहाँ के लोग मेरे अपने लोग हैं, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। और इसीलिए मुझे कभी उस बात की तकलीफ भी नहीं हुई जो कश्मीर फाइल्स और ताशकंद और बुद्धा के वक्त जो भी हुआ, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट थ्रू आउट। तो मैंने विवेक को पहले से ही बोल के रखा था कि दिस इज़ हाउ इट इज़, और मेरा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने देखा है अपने आँखों के सामने लोगों के साथ होते हुए, बस आप अपना काम करो और निकल जाओ। ये उसके बाद ये मत सोचो यहाँ पे दिल के रिश्ते नहीं बनेंगे आपके, यहाँ पे सिर्फ काम के रिश्ते बनते हैं। जब तक आप हैं, आपका नाम है, तब तक आपके रिश्ते रहेंगे। और जो बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह होते हैं सब दिखावा होता है, पता नहीं। मेरे तो कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई बेस्ट फ्रेंड्स तो है नहीं, मेरे जो भी हैं वो उसके बाहर के हैं। तो आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैं वैसे देखा जाए तो ऋचा मैं उसकी जो अंडरबेली है उसमें भी घुसी नहीं ना कभी। मैं हमेशा बाहर से ही मैंने देखा है, क्योंकि मेरी एक जो रुचि रही है एक तरह की फिल्म करने की, वो भी तो अलग ढंग की फिल्में थी, वो भी तो कभी हार्डकोर कमर्शियल फिल्में नहीं थी। तो मैं उसमें उस सर्किट में अंदर घुसी ही नहीं कभी। और बच्चे जब काम करते हैं तो कई बार ये सवाल उठता है कि चाइल्ड आर्टिस्ट से इतना काम कराया जाना चाहिए या नहीं, इनकी पढ़ाई का समय है, बचपन खो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आपने इतना काम किया तो आपने वो बचपन इन्जॉय नहीं किया जो दूसरे बच्चे करते हैं? नहीं, मैंने खूब किया इन्जॉय, क्योंकि मैंने बहुत कम फिल्में की। मैंने कुछ 20-22 फिल्में की एज अ चाइल्ड एक्टर। काफ़ी होती है नहीं, पर चाइल्ड एक्टर का काम कितना होता है, 4-5 दिन का होता है पर फिल्म। तो एक 10-12 साल में मैंने कुछ इतनी अगर फिल्में की, तो वो तो बहाना था हमें स्कूल ना जाने का, तो दैट वाज अ गुड थिंग टू हैपन। बट माय पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट आवर एजुकेशन, तो हम किताबें ले जाते थे और शॉर्ट के बीच में फिर पढ़ाई करो, फिर होमवर्क होता था हमारा, और हमको स्पेशल परमिशंस मिली हुई थी स्कूल से कि शूटिंग हो तब ये स्कूल नहीं आएंगे, तो स्कूल में फिर वो अलग टेंशन रहती थी। वहाँ कुछ कुछ टीचर्स जो थी वो अच्छा बेटा टारगेट पे रहते, निशाने पे, तुम स्टार बने हो, अभी आओ बायोलॉजी में आओ फिर दिखाते हैं, तो ये भी होता था। बट ठीक है ना, सब दैट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए, तो एज अ चाइल्ड एक्टर आपने 22 या 25 फिल्में करीब की, उसके बाद एक्टिंग को प्रोफेशन की तरह लेना है, अब वो आर्किटेक्ट वाला सपने का क्या हुआ, ये मौका कब आया है सोचने का कि अब ये अब पकड़ लिए रहा, अब इसी पर चलना है? माय फादर हैड सैट मी डाउन, मैं जब 9th में थी। अच्छा, 9th में? हाँ, तब उन्होंने मुझे बिठाया था एक दिन कि क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में। तो मैंने कहा कुछ नहीं, क्या सोचना क्या है तू इससे नहीं, क्या काम करना चाहती हो? अगर तुमको फिल्मों में ही काम करना है, एक्टिंग ही तुमको करनी है, तो उस हिसाब से बताओ। कुछ अलग करना है तो देन वील फोकस मोर ऑन योर एकेडमिक्स। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो एक्टिंग करनी है। इसे बिल्कुल सोच लो, देन देर इज़ नो टर्निंग बैक, क्योंकि इसके आगे 10th है तुम्हारी। सो आई सेड नो, आई वांट टू एक्ट, बस दैट वाज डन। उसके बाद मुझे कभी पूछा नहीं उन्होंने दोबारा, और प्रोजेक्ट्स आते गए। बस वो थोड़ा सा नाखुश ज़रूर थे कि मैंने कमर्शियल फिल्मों में ज़्यादा मैंने नहीं की, क्योंकि मेरा सवाल था। सी दैट्स ऑल ही अंडरस्टूड, यू नो, बिकॉज उस वक्त पे जब दादा छोटे थे या उन्होंने जब थिएटर वगैरह किया है, तब एक ही तरह की फिल्में बनती थी। ये
1971 या 72 में शायद ये पैरेलल सिनेमा मूवमेंट शुरू हुआ पूरा. एंड मैं 16 साल की थी जब मैंने श्याम बेनेगल के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था सुस्मन. इट वॉज बेस्ड ऑन द वीवर्स ऑफ पोचमपल्ली हैदराबाद. तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक वो बहुत इम्प्रेशनेबल एज होती है. और श्याम बेनेगल ने मतलब मुझे इतना ग्रूम किया है उन्होंने, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर बट एज अ फादर फिगर. आई डिडंट जस्ट ग्रो एज एन एक्टर इन हिज कंपनी, पर मैं मुझे याद है मैं 16 साल की उम्र में मिल्सन बून पढ़ती थी. तो मैं एक दिन पढ़ रही थी सेट पे, तो उन्होंने आए वो और मुझे कहते हैं यंग लेडी व्हाट इज़ दिस क्रैप दैट यू आर रीडिंग. तो मैं कहने मैं श्याम अंकल दिस इज़ अ वेरी गुड रोमांटिक नॉवल. तो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ नॉवल, दिस इज ट्रैश. कहते आई विल गिव यू अ गुड बुक. तो गए अपने कमरे में, ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज की बुक ले आए और मेरे हाथ से ऐसे निकाला, कहते थ्रो इट इन द गार्बेज और ये पढ़ो. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट, मुझे आई एंजॉयड इट. मैंने कुछ दो रात में ही वो ख़त्म कर दी. तो फिर खुश हो गए, फिर मुझे वो दूसरा नॉवल दिया उन्होंने, साकी का नॉवल दिया. ऐसे करते 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 ही स्टार्टेड मेरी ग्रूमिंग पढ़ने की तरफ उनकी वजह से हुई. फिर मेरे साथ वो सिनेमा डिस्कस करते थे कि तुमने कौन सी फिल्में देखी है. तो मैंने तो हिंदी फिल्में देखी थी तब, या मराठी, मेरे ख्याल मराठी हिंदी और जो कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेजी फिल्में तब रिलीज हुआ करती थी अपने यहाँ, कोई क्रेजी बॉयज सीरीज और टावरिंग इन्फर्नो. एंड ही सेड दीज आर नॉट द फिल्म्स यू वॉच. फिर मुझे लिख के दी, मैंने कहा मिलेंगी कहाँ पे. तो फिर कुछ उन्होंने कहा वीडियो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे तुम चली जाओ, VHS मिलते थे तब. सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू वर्ल्ड सिनेमा. उनकी वजह से मैं अच्छा सिनेमा देखने लगी. तो एक ओवरऑल होलसम डेवलपमेंट एक होती है ना कैरेक्टर की, वहाँ पे मेरी हुई. अब मैं सोचती हूँ कि इनकी जगह अगर मैं रमेश सिप्पे के साथ काम करती या सुभाष गई के साथ काम, एक जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया होता. बिल्कुल, जिंदगी या करियर कैसे, हाँ दोनों ने. तो पता नहीं आज मैं कहीं और होती, अच्छा बुरा मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं और होती इतना पक्का है. सो माई फादर वॉज वेरी अनहैप्पी व्हेन आई केप्ट सेइंग नो टू कमर्शियल फिल्म्स, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता था. मैंने की भी वो तहलका पन्हा मुजरिम ऐसे कुछ की मैंने फिल्में, बट जो माहौल पैरेलल सिनेमा के सेट पे मिलता है और जिस तरह की बातें वहाँ पे होती हैं, इट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क. एंड ऐसा लगता है कि आप और कुछ सीखें और जाने और बातें करें ये लोग. बट आपको ये एहसास कभी नहीं हुआ कि हाँ यहाँ मुझे पैसे नहीं मिल रहे, उतने नहीं मिल रहे या उतनी फेम नहीं मिल रही जितनी अगर मैं कमर्शियल सिनेमा करूँगी तो मिल सकती है? नहीं, क्योंकि पैसे कमाने के हिसाब से मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में आई ही नहीं थी. जितनी ज़रूरत थी उतने तो मिल रहे थे, उससे ज़्यादा ही मिल रहे थे बल्कि. तो ऐसा नहीं था कि अच्छा उस वो मतलब 18-19 साल की उम्र में ये भी तो नहीं होता ना कि आप कुछ, आप कल को शादी करेंगे, आपको बच्चों के लिए कुछ करना है, ये थॉट्स तो बाद में आते हैं. तो वो जब ख्याल आने लगे तो देन आई डिसाइडेड टू बिकम अ प्रोड्यूसर. तब मैंने आरोहण सीरियल बनाया सबसे पहले जी. तो उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू यू नो डाइवर्सिफाई इनटू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. लेकिन फिर भी कमर्शियल सिनेमा ने नहीं खींचा आपको? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता वहाँ पे, पता नहीं. प्लेज कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ शुरू हुए स्टेज एक्टिंग? प्लेस तो मैंने बचपन से ही शुरू कर दिए थे. माई लास्ट प्ले ऑल दो आई डिड वॉज वेन आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड, और वो प्ले मैंने छोड़ा आफ्टर अबाउट 100 शोज. उसके बाद मैंने थिएटर नहीं किया है. अच्छा, आई कुडंट गो बैक टू थिएटर बिकॉज मन नहीं करता जाने. बहुत करता है लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी विथ माई वर्क एंड आई वॉज सांस लेने की फुर्सत नहीं थी. मेरी शादी भी हुई तब मुझे याद है मैंने अपने सारे, आई वॉज वर्किंग 28-29 डेज अ मंथ, और मैंने सारे डायरेक्टर्स को मतलब ऐसा मस्का मार मार के सबको कहा था मेरी नई नई शादी हुई है, मैं प्लीज़ एक घंटा लेट आऊँगी और एक घंटा जल्दी जाऊँगी. तो एवरीबडी हैड अग्रीड टू दैट. तो मैं 10:30 बजे पहुँचती थी और मुझे शाम को 7:30-8:30 बजे तक पैकअप कर देते थे. सो दैट दिस इज़ हाउ माई फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज वॉज. सो बिजी. तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी. तो उसमें मैंने कहा थिएटर में और becomes very respons becomes a big responsibility क्योंकि वो उसी टाइम पे शुरू होना होता है. एंड देन आफ्टर द चिल्ड्रन केम अलॉन्ग मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर इनको मेरी ज़रूरत पड़ी, अगर कुछ हो गया तो बच्चों को मैं सेकेंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी पे नहीं रख सकती. सो
उस वक्त मैं ना करती रही प्लेस के लिए. एंड देन आई थिंक आफ्टर दैट इट जस्ट एवरीबडी काइंड ऑफ अज्यूम दैट आई वोंट डू इट. ऑल्दो नाउ आई फील दैट माई कभी ट्राई करना चाहिए. हाँ, बिकॉज नाउ दैट द किड्स आर ऑल ग्रोन अप आई डोंट हैव टू बी अ 24/7 मदर. तो आई कैन हैव सोचा जा सकता है. एक बात बताइए, इतना सब हो गया, इतना कर लिया, थिएटर भी कर लिया, फिल्में कर ली, कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि NSD में एक बार अप्लाई करके देखें, एक फॉर्मल ट्रेनिंग ले लें कहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या कहीं से भी सीख लूँ एक्टिंग? नहीं, क्योंकि मुझे विदाउट एनी मॉडेस्टी आई नो एक्टिंग. हाँ, मैं सिखा नहीं पाती एक्टिंग क्योंकि मैंने वो थियोरी उसकी कभी सीखी नहीं है. मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखा है सब कुछ. बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई है एंड आई नो एक्टिंग रियली वेल टू अ पॉइंट वेयर मैं अपने को एक्टर्स से भी कभी कभी कहती हूँ. हमारे जो सेट पे एक्टर्स होते हैं मैं उनके भी कैरेक्टर्स पे काम करती हूँ. तो मतलब यहाँ ऐसा बोला नहीं जाता बट आई डोंट सी एनी शेम इन सेइंग दैट कि बिकॉज आई हैव स्पेंट सो मेनी ईयर्स आई थिंक आई एम अ वेरी गुड प्रोफेशनल हु नोज हर जॉब वेरी वेल. तो अभी दोबारा जाके एक्टिंग की ट्रेनिंग मैं नहीं ले सकती. हाँ, मैं कभी कभी ये ज़रूर सोचती हूँ दैट मे बी आई नीड टू लर्न अ लिटल बिट अबाउट डायरेक्शन बिकॉज दैट इज़ वन एरिया वेर आई एम वेरी वीक. पर मैं अभी खुद थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर रही हूँ विथ ईच ऑफ आर प्रोडक्शन. तो बिहाइंड द कैमरा इज अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर. सो वेरी चैलेंजिंग. आपके प्रोफेशनल करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था और मुझे लगता है हम लोग व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो पैरेलल सिनेमा तो नहीं देखते थे. बट मुझे अगर पल्लवी जोशी सबसे पहले याद है तो अंताक्षरी. लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी. ग्रोइंग अप ईयर्स में आप कैसी थी? जिद्दी, स्टबर्न, किस तरह की एक यंग गर्ल थी आप जब? आई वॉज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल इज प्रॉबली नॉट वॉज ना एम तो नहीं ना वॉज ही था. वॉज था. मैं बहुत ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग थी, आर्ग्यूमेंटेटिव थी, बहुत ही रैबिड फेमिनिस्ट थी और कभी हार ना मानने वालों में से थी. और आई वुड नेवर लेट एनी वन विन एन आर्ग्यूमेंट. मतलब मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ अपने बारे में कि मुझ में कितना ज़्यादा चेंज आ गया है. इट जस्ट सीम्स एज इफ आई एम लाइक टू डिफरेंट पीपल नाउ. बट एंड आई वॉज एक्सट्रीमली टॉकेटिव. ओके. मैं अभी जितना चुप अभी रहती हूँ उतनी मतलब मुझे बाबा आके बोलते थे कान में आके कि पल्लवी चुप हो जाओ अभी बहुत हो गया. मतलब अब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं कितना बोल रही हूँ. कॉन्स्टेंट जैबर 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 एंड ऑन एनी सब्जेक्ट आई हैड एन ओपिनियन. क्या बात है. हाईली ओपिनियनेटेड. बहुत अब बदल गई है ना. कम्प्लीटली बदल गई हूँ मैं. मतलब कभी कभी मुझे मैं खुद को जब अकेले में बात करती हूँ आई कीप यू नो मैं अपने आप को मारती रहती हूँ कि वेयर इज दैट पल्लवी गॉन. व्हाई आर यू सो सेडेट इन लाइफ नाउ. वेक अप यू नो. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ मैं. अच्छा. नमस्कार, मेरा नाम पद्मश्री है और मैं पल्लवी की बहन हूँ. ओह माय गॉड. पल्लवी जोशी एक बहुत अच्छी कलाकार है. 3-3 नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है. बहुत अच्छा गाती भी है और अपने पति विवेक अग्निहोत्री के साथ मिलकर अच्छी अच्छी फिल्में बना रही है. पल्लवी बचपन से बहुत निडर रही है. हम उसको शेरनी कहते थे. उसे किसी चीज़ का डर नहीं लगा, किसी चीज़ में उसको झिझक नहीं हुई. जो बात उसको करना ठीक लगी उसने की. अगर कभी माँ या बाऊजी ने उसको टोक दिया कि ये मत करो तो वो उसका कारण पूछते कि क्यों नहीं करो, मुझे बताइए क्या बुराई है इसमें. और अगर उन्होंने बताया और उसको वो बात उसके पल्ले पड़ गई कि हाँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं तो मान जाती थी. पर अगर उसको ऐसे नहीं लगा तो वो आर्ग्यूमेंट करते रहती कि नहीं मुझे नहीं लग रहा कि आप ठीक बोल रहे हैं, आप मुझे ठीक ठीक बताइए कि ये बात क्यों नहीं करनी चाहिए. जो उसको ठीक लगता है वो करके रहेगी. और अभी फ़िलहाल उसने जो कुछ फिल्में निर्माण की हैं वो इस बात का सबूत है कि उसको जो ठीक लगता है वो करती है. हम तीनों भाई बहनों में वो सबसे छोटी ज़रूर है
पर मेरी सबसे छोटी और मेरी लाडली बहन आज जो इतनी बड़ी हो गई है, इसका मुझे बहुत फख्र है। सो स्वीट, आई हैव टू गिव हर अ पार्टी नाउ। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप कितनी जिद्दी हैं। बट अब उतनी जिद्दी नहीं है, अब उतनी नहीं, पता नहीं, बच्चों ने बहुत कुछ सिखा दिया। इतना पेशेंस सिखा दिया, विवेक और बच्चे तीनों ने मिलके पूरी मतलब पर्सनालिटी मेरी बदल गई उसके बाद। चलिए वो अंताक्षरी पर आते हैं। वो कैसे मतलब सोचा, ठीक है म्यूजिक सीखा था वो सब था, लेकिन अंताक्षरी करना है, ये डिसीजन कैसा था, कैसे लिया और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बोल अंताक्षरी तो यू नो बस लाइक द टॉप मोस्ट याद है एट दैट पॉइंट। तो मुझे कहीं से खबर आई थी उड़ती उड़ती कि मुझे वो अंताक्षरी में एज अ होस्टेस मुझे लेना चाहते हैं। देन आई सेड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू इट, ना इतने गाने का मौका मिलता है। सो माय मदर वाज वेरी यू नो इफी अबाउट इट। शी सेड नहीं, तुमने रियाज नहीं किया है बड़े दिनों में, तुम अपने एक्टिंग में बिजी रहती हो, गले को रियाज चाहिए, तुमको 3 गाने गाने हैं हर एपिसोड में। तो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग और एक क्यू का गाना होता था, ऐसे 3 गाने होते थे और दिन के 3 एपिसोड शूट करते थे हम। और पूरा शेड्यूल हमारा 16 एपिसोड का होता था, जो कि 5-6 दिन में हम लोग शूट करते थे। अब 16x3 उतने गाने और उसमें आधे आधे डिवाइड कर लो, कुछ सोलो अनु जी के, कुछ सोलो मेरे, कुछ हमारे ड्यूएट्स। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अंताक्षरी के लिए था योर स्पीड एंड आप कैसे रिकग्नाइज करते हैं और वो लिरिक्स आप सही गाते हैं कि नहीं। तो ये पूरा दिन हम लोग गाते ही रहते थे। सो आई रिमेंबर द फर्स्ट डे, देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन अश्विन, ही वाज डूइंग द साउंड। तो माय मदर केम टू द सेट्स, तो अश्विन ने पूछा उनको, आंटी अच्छा गाती है ना पल्लवी? सर मदर वाज लाइक, हाँ अंताक्षरी के लिए ठीक है। सबकी लेवल कर दी थी उन्होंने, मेरी, शो की, डायरेक्टर की, अनु कपूर की, सबकी। ओके, सो फिल्में चल रही थी और बहुत काम मिल रहा था, साथ में अंताक्षरी भी हुआ, फिर टीवी सीरियल्स भी शुरू हो गए। कभी कभी लगता है कि नहीं, हम बड़े स्क्रीन के कलाकार हैं, अब तो खैर बहुत हो गया, अब तो सब OTT पर आ रहे हैं, लेकिन उस समय वॉज इट अ डिफिकल्ट डिसीजन कि अच्छा टीवी करना है नहीं करना है? या लॉट ऑफ पीपल हैड टोल्ड मी कि टेलीविजन मत करो तो तुम्हें फिल्में नहीं मिलेंगी, जो कि हुआ, मेरी फिल्में मुझे मिलना बंद हो गया था। लेकिन फिल्में मुझे जो मिल रही थी उसमें कुछ करने लायक तो था नहीं, तो कहीं किसी कोई सिस्टर रोल मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, तो आई वॉजंट हैप्पी विद द रोल्स दैट आई वॉज गेटिंग। और टेलीविजन एक इतना नया मीडियम था उस वक्त कि सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके साथ, कोई उसे थिएटर की तरह ट्रीट कर रहा था, कोई फिल्म की तरह ट्रीट कर रहा था, कोई किस तरह, कोई किसी तरह, तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे एंड अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे थे तब। गोविंद जी ने तमस बनाया, रमेश सिप्पी ऑफ कोर्स मेड बुनियाद, देयर वाज सुधीर मिश्रा, देन बहुत सारे, अमोल पालेकर डिड टेलीविजन, देयर वाज सो मेनी गुड डायरेक्टर्स हु वर टर्निंग टू टेलीविजन। वासुदा, चाणक्य बनी थी तब, बासु चैटर्जी मेड रजनी, यश चोपड़ा की एक आईना नाम की सीरियल, आईना नहीं, दर्पण नाम की सीरियल आया करती थी। सो देयर वर अ लॉट ऑफ शोज एंड अ होल बंच ऑफ ग्रेट डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया वर मेकिंग टेलीविजन, और उसमें कैरेक्टर्स भी अच्छे मिल रहे थे, कहानियाँ भी अच्छी थी, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आने लगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि कितने सारे लोग ऐसे थे, एक्टर शाहरुख हो, मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा, जो टीवी करके फिल्मों में आए थे। करेक्ट, आप फिल्में करके टीवी में आई थी। So my last film that I did was in 1995 called Making of the Mahatma, जिसमें मैंने कस्तूरबा का रोल किया था। After that, my next film after that was in 2010. 15 years I didn't do any film. और वो फिल्म भी ऐसे हुई, रेणुका शाहने ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म, एंड शी हैड रन द स्क्रिप्ट बाय मी, उसके माँ की बुक पे, वो शांता गोखले की बुक पे बना रही थी वो, रीटा वेलेंडकर बुक का नाम है, सो मूवी वॉज कॉल्ड रीटा। एंड देन एक दिन मुझे फ़ोन किया उसने, एंड शी सर, अरे पल्ला, आई हैव बीन डिस्कसिंग फॉर सो मेनी डेज विद यू, मेरे दिमाग में ही नहीं आया, विल यू डू माई फिल्म? मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, मैंने कहा बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है यार, बहुत मज़ा आया, पर मुझे कौन सा, विच कैरेक्टर डू यू वॉन्ट मी टू प्ले? तो कहती है रीटा, वॉट एल्स? आई सेड, आर यू मैड? मैंने कहा मैंने 15 साल से फिल्म नहीं की है,
तो शी सेड नो नो आई वांट यू टू प्ले द मेन रोल. तो मैंने कहा नहीं नहीं आई वोंट डू इट. तो विवेक वाज लाइक तुम पागल हो गई हो क्या, इतना व्हेन यू गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी यू हैव बीन डाइंग टू डू फिल्म्स कम बैक टू सो. देन आई वाज वेरी स्केर्ड. आई सेड आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टच. व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई डोंट डू जस्टिस टू द कैरेक्टर. तो ही सेड ऐसे थोड़ी होता है यार, यू आर एन एक्टर, करो ये. तो मैंने बहुत डरते डरते फाइनली आई अप्रोच द कैरेक्टर. बट देन फर्स्ट डे ऑन द सेट्स विदिन 10 मिनट्स आई वॉज लाइक हाँ दिस इज ये तो अपना ये तो मेरा ही इलाका है, अपना ही खेत है. चलिए तो बहुत देर से विवेक की बात हो रही है, अब हम जानना चाहेंगे कि विवेक अग्निहोत्री से आप कब, क्यों और कैसे मिली. क्यों ये तो पता नहीं. नियति में था. कब और कैसे बता सकती हूँ. विवेक के बारे में मैंने सुन रखा था. वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन और मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है नीना नाम से. तो विवेक उन दिनों एडवर्टाइजिंग किया करते थे, तो नीना विवेक का प्रोडक्शन करती थी. जहाँ इनकी पार्टी होती थी मुझे बुलाया जाता था. अब फॉर सम ऑड रीज़न मैं कभी गई नहीं, क्योंकि बैक इन दोज डेज आई थिंक एडवर्टाइजिंग और फिल्मों में बहुत अंतर हुआ करता था उसके प्रोफेशनल्स में. एक अलग तो दुनिया जैसे अलग दुनिया थी. थोड़े हमें एडवर्टाइजिंग वाले थोड़े सूडो लगते थे और एडवर्टाइजिंग वालों को लगता था कि अरे ये फिल्मी लोग हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है. फिर एक दो बार ऐसे भी हुआ कि मेरे यहाँ कुछ पार्टी थी तो विवेक मेरे घर के नीचे आए और ऊपर नहीं आए, ये सोच के कि यार कौन जाए, छोड़ो ना. एंड देन वन डे सडनली वी वर एक रॉक कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में, ब्रबॉन स्टेडियम में. सो ऑल द फ्रेंड्स वी ऑल हडल्ड टुगेदर, दो जीप्स में, ओपन जीप्स में जा रहे थे. हमने खूब मस्ती करते हुए पहुँचे और देखा तो एक सज्जन वहाँ बैठे हुए थे सीढ़ियों पर. सो मैंने कही कौन आदमी है, अपनी जीप की तरफ देख रहा है, कौन है कौन है. तो इतने में नीना गई है, किसी आए विवेक आओ यू. तो मैंने कहा अरे ये है विवेक अग्निहोत्री. अच्छा अच्छा. तो इस तरह से हमारी पहली मुलाकात हुई. एंड वो देखा, रॉक कॉन्सर्ट वगैरह हो गई, उसके बाद डिनर कर रहे थे हम लोग. एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, काफ़ी कॉन्वर्सेशन, बहुत फ्लूइड कॉन्वर्सेशन रहा. एंड एज वी वर लीविंग, विवेक तब एक एज अ पेइंग गेस्ट बांद्रा में रहते थे कहीं, विच वॉज वेरी क्लोज टू माई प्लेस. तो इनको ड्रॉप किया पहले, तो ही जस्ट फ्लैश्ड आउट हिज विजिटिंग कार्ड, गिव इट टू मी, इफ एवर यू आर इन यू नो मूड फॉर गुड फूड इन दिल्ली कॉल मी. अच्छा दिल्ली. हाँ तो दिल्ली में रहते थे. तो मैंने कहा ओके ओके. अच्छा करके मैंने पर्स में रख लिया कार्ड. एंड देन देयर वाज मतलब कुछ हुआ ही नहीं. उसके बाद मैं गई थी तुर्कमेनिस्तान एक फिल्म फेस्टिवल में. एंड आफ्टर दैट आई केम टू दिल्ली फॉर माई वर्क. एंड आई वॉज स्टक हियर बिकॉज मैं काम की वजह से अटक गई थी. एंड उन दिनों आई यूज टू स्टे एट माई मौसीज प्लेस, वो ग्रेटर कैलाश में रहती थी. वो 3-4 दिन पता नहीं मियाँ बीवी दोनों को क्या हो गया था, वो झगड़ा ही कर रहे थे दोनों. 3-4 दिन से मैं परेशान हो गई थी. मैंने कहा क्या करूँ. तो मैं गई रूम में, मैंने अपना मैं पर्स साफ कर रही थी, इतने में मुझे कार्ड दिख गया विवेक अग्निहोत्री. मैंने कहा चलो इसको फ़ोन करते हैं, दिस इज़ अ गुड आउट फॉर मी. तो मेरी शाम की फ़्लाइट थी तो मैंने दोपहर को ही फ़ोन कर लिया. तो विवेक सर मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम ऑफिस में आ जाओ. तो मैं गई ऑफिस में, फिर बातचीत वगैरह हुई, वहाँ से मैं एयरपोर्ट निकल गई. देन ही केम टू बॉम्बे. फिर वो एक सिलसिला मिलने जुलने का शुरू ही हो गया. और समवेयर डाउन द लाइन आई गेस वी रियलाइज्ड दैट ओ दिस इज टर्निंग आउट टू बी समथिंग मोर. क्या बात है. बट बाहर से अगर मैं देखूँ तो बहुत अलग लोग नहीं हैं आप. जैसे आपने भी कहा कि मैं मुझे बिल्कुल सोशल मीडिया से आप दूर हैं, और मैं नोटिस करती हूँ बहुत लो प्रोफाइल आप मेंटेन करती हैं. हम लोग जब रिसर्च के लिए ढूंढ रहे थे ना, आपके इंटरव्यूज ही नहीं मिल रहे थे मुझे. और विवेक अग्निहोत्री आज की तारीख में अगर मैं देखें तो सोशल मीडिया पर सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों में से एक हैं. कुछ ना कुछ वो उनके ट्वीट से हंगामा हो जाता है, उनकी फिल्मों से भी हंगामा हो जाता है. तो क्या घर में भी आप दो इतने अलग पर्सनैलिटीज़ हैं आप लोग? हाँ हम हैं तो बहुत अलग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में भी वो वैसे ही कॉन्ट्रोवर्सीज हैं. लेकिन जब तक फ़र्क ना हो तब तक रहेंगे कैसे साथ में, क्योंकि हर चीज़ पे अगर दोनों पति पत्नी राज़ी होने लगे
यस डार्लिंग वट एवर यू से, हाँ बेबी वट एवर यू से, तो मेरे ख्याल से तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी उसके बाद. तो कहीं कहीं पे थोड़े डिसएग्रीमेंट्स, थोड़े डिबेट्स होना, कभी कभी झगड़ा होना, बिकॉज द मेकिंग अप ऑफ झगड़ा आफ्टर दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. तो ये सब होते रहना चाहिए, ये मेरे ख्याल से दिस इज़ वट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. एंड आप इतने दो डाइवर्स पर्सनालिटीज़ होने के बावजूद जब आप एक साथ चलने की जब आप ठान लेते हैं, सो लाइफ एनी वे इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स. तो आपको पता है कि आपको वो जो एक वो नहीं जो बीम बार पर जिमनास्ट चलते हैं, तो वैसे आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे 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 होने के चांसेस है नहीं. सो आई थिंक इट्स फन टू डू दैट, यू नो, टू नो दैट यू कैन नॉट टेक इवन वन रॉन्ग स्टेप. क्या बात. लेकिन एक बात बताइए ना, एक बिल्कुल ठेठ मराठी बोलूँगी, ठेठ मराठी कोंकणस्थ लड़की और इधर यूपी एमपी का लड़का मिल गया, तो वो एडजस्टमेंट्स में कुछ कल्चरल प्रॉब्लम, वो कुछ प्रॉब्लम आई? हम दोनों को नहीं हुई, मेरी फैमिली को हुई थोड़ी विवेक के साथ एडजस्ट करते हुए, बट मेरे पिताजी को खासकर. अब बहुत छोटी छोटी आदतों में वो डिफरेंस दिखाई देता है. मतलब और मुझे इतना परेशान किया है दोनों ने छोटी छोटी चीज़ों को लेके. लेकिन और मैं बिल्कुल, जब शादी हुई तब मैं बिल्कुल तैयार थी कि अब मैं दोनों को दिखा दूंगी कि चाहे जो हो जाए ये मेरे पिताजी है और चाहे जो हो जाए ये मेरे पति है. और जैसे ही शादी हुई दोनों ने छोड़ दिया, क्योंकि विवेक को लगा कि अब तो ये मेरी बन ही गई है, मुझे क्या प्रॉब्लम है. और बाबा ने सोचा अब क्या कर लूँगा मैं, अभी तो बेटी ब्याह कर चली ही गई. तो मैं बिल्कुल जैसे तैयार थी पूरे अपने ग्लव्स वॉस पहन के, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ उसके बाद. लेकिन पहले बहुत परेशान किया दोनों ने. चलिए तो आपको कुछ सुनवाया जाए. कितने हैं आपके पास ऐसे बॉम्ब्स मेरे लिए? मेरा नाम मनोज तिवारी, मैं विवेक का बड़ा भाई हूँ और पल्लवी मेरी बहू जैसी है. पल्लवी ने एक बार हमारे परिवार की तरफ की सारी फैमिली हिस्ट्री उसने जोड़ी थी, फैमिली एंसेस्ट्री का चार्ट बनाया था, जो कि हमारे परिवार वालों को खुद नहीं पता था इतना. तो ऐसी स्त्री के साथ, ऐसी लड़की के साथ रह के जो एक खुशी मिलती है, तो पल्लवी ऑल द बेस्ट टू यू forever. That's so sweet. That's so sweet. Ek aur hai. Ek aur hai. Hi, my name is Meetu and I've had the privilege to call Pallavi family for a number of years now. When I first met her, my love and respect for her came from a place of her being family and the incredible artist that she is. But over the years, that love has and respect has morphed into that for the individual that she is. It is a privilege, and I am super grateful to be able to call her family. I love you. Sweet. That's just the most amazing thing. अच्छा लग रहा है आपके शो पे, सब लोग तारीफ कर रहे हैं. नहीं, लेकिन एक और बड़ी खास बात होती है मेरे शो पर, जब हम सबसे मैसेजेस मांगते हैं, कहीं ना कहीं एक एक सेंट्रल इमोशन सबका ना, अगर एक व्यक्ति के लिए अगर चार पांच लोग एक ही बात कहें तो फिर लगता है फिर ये झूठ नहीं है. सिर्फ एक व्यक्ति कहे कि हाँ एम्पथी सपोज, लेकिन अगर हर कोई कह रहा है एम्पथी एम्पथी एम्पथी, तो वो झूठ नहीं हो सकते, इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते. तो मुझे लग रहा है इज़ दैट द सेंटर पॉइंट ऑफ योर लाइफ, कि आपको सबसे कनेक्टेड रहना है और यू फील एम्पथेटिक टूवर्ड्स एवरीवन. आई सी एट द एंड ऑफ द डे क्या है आपका, यू नो वॉट इज़ द ट्रेजर दैट यू हैव? इट्स द पीपल हु लव यू, इट्स योर फैमिली. और फॉर्चुनेटली हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, बड़ा परिवार है. तो मेरे तरफ के जितने भी लोग हैं उनके बारे में तो प्यार हमेशा से था ही, लेकिन शादी की बुनियादी यही होती है कि दो परिवार एक हों. तो जिस तरह से मुझे इतनी क्विक एक्सेप्टेंस मिली है विवेक की फैमिली में, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नेवर फेल्ट दैट ये मेरे सास ससुर है या ये मेरे माता पिता नहीं है. मैं जैसे अपने घर में रहती थी वैसे ही ससुराल में रहती थी. सो यू ब्लेस्ड. आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी. तो मेरा इतना तो बनता ही है कि जिस घर से मुझे इतना प्यार मिला उनको मैं प्यार दूँ, और मेरे बच्चों को पता तो चले कि वो
कहाँ से आए, तो जो फैमिली ट्री की वो बात कर रहे हैं, तो एक कोई नया ऐप मिला था मुझे फैमिली ट्री का, तो मेरी तरफ की फैमिली इसके बारे में तो मुझे सब पता ही था, तो मेरे बच्चों को भी पता था. मैंने कहा विवेक की तरफ से तो बहुत सारे लोग हैं, इनके बारे में पता नहीं है, तो कौन कोई किसका, इसका भतीजा, ये छुन्नू मुन्नू टुन्नू, सबके नाम मैंने जोड़ लिए थे और सब मैंने बना के रखी एक फैमिली ट्री पूरी. अच्छा, बच्चे होने के बाद आपने करियर से भी एक ब्रेक लिया जी, वो बिल्कुल सोच समझ कर कि अभी घर को वक्त देना है, बच्चों को वक्त देना है? नहीं, घर के लिए नहीं और ना बच्चों के लिए, मुझे वक्त चाहिए था. वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग किड्स एंड नॉट बीइंग विद देम? तो उनके साथ मेरी ज़रूरत थी उनके साथ समय बिताने की. और हमेशा कई बार मुझे, मेरे सामने लोग मलिका और मनन को आके कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने देखो तुम्हारे लिए काम छोड़ा, यू शुड थैंक हर. तो आई ऑलवेज टेल देम दैट प्लीज़ डोंट पुट दिस बर्डन ऑन देम. उन्होंने नहीं मुझसे कहा था काम छोड़ने को, काम छोड़ना मेरी ज़रूरत थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ मदर एंड आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद देम. मैंने कुछ एक मलिका के एक माइलस्टोन एक दो मिस कर दिए थे एंड आई थिंक टिल दिस डेट आई हैवन्ट बीन एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ. छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे स्कूल का एनुअल फंक्शन. नो, इवन बिफोर दैट व्हेन शी स्टार्टेड क्रॉलिंग वन डे एंड आई वाज शूटिंग, आई केम बैक इन द इवनिंग और मैंने देखा उसको क्रॉल करते हुए. आई सडनली गॉट माई वीडियो कैमरा आउट और मैं उसको शूट वूट करने लगी एंड विवेक्स मदर वॉज इन द रूम, वो शी वॉज विजिटिंग अस दैट टाइम. तो वो आई बाहर तो मैं एकदम से चिल्लाने लगी. मैंने कहा मम्मी मम्मी देखिए ये तो बुटो बुटो चल रही है. तो कहती हाँ बेटा इसने तो सुबह शुरू कर दिया था. एंड आई वॉज एक, मुझे ऐसा सडनली हैड अ लंप इन माई थ्रोट एंड आई सेड हाउ डिड आई मिस दिस. देन आई फेल्ट दैट स्पेशली आफ्टर मनन वॉज बॉर्न कि मैं अभी पैसे कमा लूँगी, काम कर लूँगी, नाम कमा लूँगी, लेकिन अगर मैं अपने बच्चों की इस ग्रोथ में अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो जो मैं मेमोरीज कमाऊँगी इसमें से, वो जब व्हेन दे लीव द नेस्ट दे विल बी द मोस्ट यू नो इम्पॉर्टेंट ट्रेजर्स दैट आई विल होल्ड ऑन टू. क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात. मुझे लगता है सारी मदर्स के लिए, नॉट दैट कि हम किसी से कह रहे हैं सब ब्रेक लेकर बैठ जाओ, बट हाँ आई मीन आई एम नॉट सेइंग फॉलो माय एग्जांपल, पर हमेशा ये कहा जाता है, हमेशा एक नेगेटिव कनोटेशन में कहा जाता है कि अरे माँ को तो घर पे बैठना ही पड़ता है. ये माँ तो खुद हो के बैठी घर पे, नोबडी फोर्स्ड मी. इनफैक्ट विवेक वाज वेरी अपसेट, ही सेड ऐसे कैसे तुम काम छोड़ के घर पे बैठी, कुछ तो करो, थोड़ा तो करो. एंड आई सेड आई डोंट वांट टू मल्टीटास्क एट दिस पॉइंट, आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई. एंड दैट वॉज द टाइम आई लेफ्ट सोशल मीडिया, क्योंकि तब तक मैं फेसबुक वगैरह पर थी. पर यू नो हाउ एडिक्टिव इट इज़, फिर वो पजल्स आप खेलने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या. आजकल तो रील्स हो गई है, अच्छा तो, नहीं है. हाँ, अब तो बहुत ही पागलपन हो गया है. पर पहले वो क्विजेज आती थी कि ये पर्सनैलिटी क्विज लो और ये लो, बहुत फालतू की बातें थी. आई रियलाइज कि मैं तो चार चार पाँच पाँच घंटे इसी पर बैठी हूँ और कुछ कर नहीं रही हूँ घर पर, और बच्चे स्कूल से आ भी गए और मैंने एक पपी दी उनको और मैं अपनी लगी पड़ी हूँ उसमें. एंड देन आई सडनली रियलाइज्ड कि किसी के घर में, किसी के गमले में कोई एक गुलाब का फूल कितना सुंदर दिखता है, उसके ऊपर मैं कमेंट कर रही हूँ, और किसी की खिड़की से बहुत अच्छा सनसेट दिख रहा है, मैं क्यों कमेंट करूँ भाई उसके ऊपर, तुम्हारी खिड़की है, तुमको मुबारक तुम्हारा व्यू. तो मैं अपने बच्चों को छोड़ के उसके पीछे क्यों पड़ी हूँ? Then I said, this has to get out of my life. कभी मन नहीं हुआ वापस आने का सोशल मीडिया पर? बिल्कुल नहीं. और जब करियर से ब्रेक लिया तब भी वो इनसिक्योरिटी या मिसिंग आउट वाला हुआ? हुआ, बहुत हुआ. किसी किसी रोल को देखकर कि अरे मैं होती तो ये मुझे मिल जाता. बहुत ज़्यादा वो, मतलब वो उस लेवल का फोमो था कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे घर पर बैठने की आदत नहीं थी. हाँ, और बचपन से तो. और हुआ क्या कि उसी वक्त सडनली मीडिया बूम हो गया एंड वो पेज थ्री वेज थ्री का कल्चर शुरू हो गया सारा. एंड एवरी डे आई ओपन द न्यूज़पेपर, आई थॉट ओ आई शुड हैव बीन हियर, आई शुड हैव बीन हियर. मैं अगर ये सीरियल करती आई वुड हैव बीन हियर. वो सारी सीरियल्स जो मैंने मना की थी, उसी की सारी लीडिंग लेडीज, देवर ऑल ऑन द, देवर फ्लैशिंग ऑन इन द न्यूज़पेपर. सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की. आफ्टर दैट, या लिटिल आफ्टर दैट. सो बहुत इतना, मतलब ऐसे मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने वो अपने आप को बताया कि नहीं, ये घर पे ही बैठना है, दिस इज़ अ करेक्ट डिसीजन टू डू. तो देन आई डिसाइडेड टू डाइवर्ट माई सेल्फ, क्योंकि वही मैं अगर करती रहती तो फ्रस्ट्रेशन के सिवा तो और कुछ होना नहीं था. तो मैंने कहा मुझे घर के काम तो आते नहीं, क्योंकि मैंने शुरू से बाहरी काम किया है,
तो लेट मी बिकम द बेस्ट होम मेकर. सो आई टुक इट अप एज अ चैलेंज. और इट्स वेरी फनी बट सबसे पहले मैंने लॉन्ड्री की तरफ रुख किया एंड आई थिंक आई कैन टेक आउट ऑलमोस्ट एनी स्टेन ऑन द अर्थ. ओह माय गॉड. देन आई टर्न टू द किचन, देन आई टर्न टू हाउसकीपिंग, यू नो सब. तो मैं वो 4-5-6 साल जो मैं घर पे रही, मैंने तो घर में पूरी पीएचडी कर डाली. ओह माय गॉड, परफेक्ट. और वो जब दादी माँ के नुस्खे वाली जो बात होती है ना, वो मुझे बहुत सारे आते हैं. सो शो खत्म होने के बाद कैन गिव यू अ कपल ऑफ कुछ दाग वगैरह पड़े के कपड़े. बट कुकिंग टू, यू वर कुकिंग आल्सो? या वाओ. ऑल्दो आई डोंट एंजॉय कुकिंग, सम पीपल फाइंड इट वेरी थेरेप्यूटिक, बट आई डोंट. मुझे सफाई से होता है. मुझे कहीं भी अगर कुछ भी साफ नहीं दिखा, गंदा दिखा ना, तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे होने लगते हैं कि जाके साफ करूँ. वो आपको अपने घर बुलाएंगे तो उससे पहले बहुत सफाई करनी पड़ेगी कि अब पता नहीं क्या होगा. चलिए सर, फाइनली अब आपने जो कमबैक किया है वो एक अलग ही लेवल का कमबैक है. तो हर फिल्म के साथ आपको एक तरफ से लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत तारीफें मिल रही है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, और एक तरफ भयानक क्रिटिसिज्म या अपोजिशन जो भी कह सकते हैं. हाउ आर यू डीलिंग विद दीज फिल्म्स जो अभी बुद्धा के बाद से, इनफैक्ट हम ताशकंद, कश्मीर फाइल्स और वैक्सीन वॉर, कैसे डील कर रही हैं इन फिल्मों की स्टोरीज के साथ आप? आपको पता होता है कि बवाल होगा इस पर? हाँ, और बवाल होता है ये भी पता चलता है मुझे, लेकिन किस लेवल पे होता है और एग्जैक्टली क्या क्या बोला जाता है ये फॉर्चुनेटली मुझ तक नहीं पहुँचता, बिकॉज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया. क्योंकि विवेक झेल लेते हैं. आई चूज नॉट टू बी ऑन सोशल मीडिया. या तो विवेक अपने लेवल पे, ही इज़ अ वॉरियर एंड ही मैनेजेस टू डिफ्लेक्ट एज मच एज ही कैन. एज लॉन्ग एज आई नो व्हाट आई एम डूइंग इज राइट. सो इट डजंट अफेक्ट यू? इट डजंट अफेक्ट मी एट ऑल. बिकॉज ताशकंद फाइल्स जब हमने की थी, जब शास्त्री जी की फैमिली से हम लोग मिले थे, मुझे पता थे उनके इमोशंस क्या थे अपने उनको लेके, शास्त्री जी को लेके. आप खुद सोचिए, आपके घर में भगवान ना करे कभी ऐसे हो, मेरे घर पे कभी ऐसे हो कि किसी की मृत्यु हो जाए संदेहास्पद और किसी को पता ही नहीं है कि हुआ क्या. हम ये नहीं कह रहे हैं, वो भी जो देश आज भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ फिल्म बनाने के बाद भी कि उनकी हत्या हुई थी. मैं ये मानने को तैयार हूँ कि उनको हार्ट अटैक आया था, पर बोलिए तो सही. ये कोई हमें 100% विश्वास के साथ क्यों नहीं बता पा रहा है कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, उनकी हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई थी. क्योंकि हमने बचपन में ये भी थियोरी सुनी थी दैट ही वॉज अंडर KGB सर्वेलेंस एंड ही एक्चुअली हैड अ हार्ट अटैक एंड द KGB सॉ हिम डाइंग. लेकिन अगर वो इंटरवीन करते तो भारत में पता चल जाता कि KGB सर्वेलेंस में सर्वेलेंस कर रही थी, तो हमारी रिलेशंस ख़राब हो जाते. दैट्स वाई दे लेट हिम डाई. ये भी, आई मीन इट्स अ वेरी स्टूपिड थियोरी बट इट इज़ अ थियोरी ऑल द सेम. तो ऐसी तो 25 थियोरीज हैं जो हम फिल्म में लाए भी नहीं. तो ये क्यों उठ रही हैं थियोरीज? पुट अ लिड ऑन इट. आप हमें जो सत्य है वो बता दो. तो मैं उनके इमोशंस से जुड़ी कि उस परिवार के साथ क्या हो रहा होगा, और ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. उसके बाद जो कश्मीरी पंडितों का सत्य है, जो हमें पता ही नहीं था 32 सालों से, मुझे नहीं पता था. मैं तो बम्बई में रहती हूँ, बम्बई में, बम्बई दिल्ली की तरह एपिसेंटर नहीं है पॉलिटिक्स का, वो तो एंटरटेनमेंट का है. कोई भी मौत छोटी नहीं होती, लेकिन जिस तरह से कभी एक ट्रक खाई में गिर जाता है और 2-3 लोग मर जाते हैं, ये जो न्यूज़ 3-4 पन्ने पर आती है इतनी सी, वैसी कहीं कश्मीर की न्यूज़ आई होगी? मुझे तो याद नहीं है इट एवर मेड द हेडलाइंस. और इतना होने के बावजूद भारत में किसी को पता नहीं. लेकिन जब फिल्म आती है तब लोग कहते हैं प्रोपोगंडा. उनको बोलने दीजिए जो उनकी मर्जी, प्रोपोगंडा तो अभी भी बोल रहे हैं. आप कभी परेशान नहीं होती इनसे? मुझे क्या करना है उनसे? उन लोगों के लिए फिल्म ही नहीं बनी है जो अपनी राजनीति की रोटी हमारे फिल्मों पर सेंकना चाहते हैं. मैं तो बल्कि विवेक को कहती हूँ कि हमारी फिल्में तो बहुत लोगों को लाइवलीहुड देती हैं, सिर्फ हमारे यूनिट को ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शायद चूल्हे हमारी वजह से जलते हों. तो मैंने कहा बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं हम लोग, चलते जाओ आगे. नहीं, जब ऐसे सवाल होते हैं पल्लवी, चूँकि आपने इतना लंबा वक्त 50 साल आपने का इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं, क्या बॉलीवुड हमेशा से इतना डिवाइडेड था या और खुलकर नहीं आ रहा था? अब चूंकि सोशल मीडिया है तो लोग खुलकर, अब तो लोग कह देते हैं कि भाई ये एक्टर, जैसे मीडिया के लिए कहने लगे ये चैनल इस साइड, ऐसे एक्टर्स के लिए भी कहने लगे. क्या पहले भी आपने ये डिफरेंस नोट किया था, ये डिवाइड अब आ गया है? ये कभी नहीं था डिवाइड, ये 2014 से ही हुआ है और पता नहीं क्यों.
वही एक साल ऐसा था कि जहाँ से सब कुछ एकदम कायापलट ही हो गई पूरी की पूरी, लोग खुल के सामने आ गए कि भैया कौन किस तरफ अब है? तो अब तो मतलब ये तो क्या युद्ध की घोषणा हो चुकी है और हम इस तरफ के हैं, हम इस तरफ के हैं. डिड यू लूज फ्रेंड्स? यस, वी लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. And it's been what 12. We started losing friends even earlier, even before 2014. About 10 years now. We haven't been in touch with any one of them. ये बहुत hurt करता है. ये journalists के साथ भी हो रहा है. ये Bollywood में भी, ये सब तरफ हो रहा है कि लोग राजनीति की वजह से अपने दोस्त अपने रिश्तों को खोते जा रहे हैं. लोग people have lost families too. हमारे भी झगड़े हुए थे families में, लेकिन we reconciled after that. मतलब अकल ठिकाने आ जाती है फाइनली सबकी. तो वो परिवार में भी हुए हैं रिश्ते ऐसे ख़राब, और कुछ एक अभी भी चल रहे हैं. वी आर स्टिल ट्राइंग टू मेंड सम. बट एनीवेज, आई लव्ड योर रोल इन कश्मीर फाइल्स. सारे पूरे एक्टिंग करियर का अगर निचोड़ निकालें तो किसी भी किरदार में घुसने के लिए आपका होमवर्क क्या होता है? बहुत बदल गया है वो ओवर द ईयर्स. पहले तो बहुत ऑब्जर्वेशन पे मैं डिपेंड करती थी कि लोगों को ऑब्जर्व किया, उनमें से कुछ एक कैरेक्टर मिल गया मुझे, वो कहीं का कैरेक्टर कहीं पे लगा दिया, कहीं का कुछ कहीं पे लगा दिया. बट आई थिंक लाइफ ऑल्सो टीचर्स यू अ लॉट, और ज़िंदगी से बड़ा टीचर और कोई है नहीं. तो अनुभव से आप जितनी सारी चीज़ें सीखते हैं वो सारी आप कहीं ना कहीं अभिनय में निकल कर आती हैं. 26 साल शादीशुदा जिंदगी, तो आई थिंक आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पीली मैरिड लाइफ. आई थिंक लॉट्स ऑफ फाइट्स, लॉट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, दे कीप योर लाइफ एडवेंचरस. एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग, जोक्स अपार्ट, इज एक म्यूचुअल स्पेस को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. और स्पेस का मतलब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, तीनों होता है. सिर्फ फिजिकल स्पेस दे के आप 25 बार अगर कॉल करते रहें कि कहाँ हो, तो दैट इज़ नॉट गिविंग स्पेस. तो हर लिहाज से आपको स्पेस सामने वाले को देना ज़रूरी है, और स्पेस देने के लिए आपका एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, और भरोसा करने के लिए आपको एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और रिस्पेक्ट प्यार से ही आती है. तो चारों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं. तो आई डोंट थिंक देर इज एनी वन स्पेशल इन्ग्रीडियंट विच मेक्स अ मैरिज वर्क. पर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो चीज़ें मेरे लिए वर्क, हमें, मेरे और विवेक के लिए जो वर्क हुई हैं, ज़रूरी नहीं किसी और के लिए वर्क हो. क्योंकि अगर मेरी शादी विवेक से नहीं होती, किसी और से होती, और विवेक की शादी मेरी जगह किसी और से होती, तो उनके आपस के प्रॉब्लम्स और होते, और फिर उनको सॉल्व करने के तरीके भी उनके डिफरेंट होते. सो इट ऑलवेज, यू नो, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो अगर कोई किसी से शादी की एडवाइस लेता है और अपने घर में उसको अगर आजमाने की कोशिश करता है, तो ये भैया बिल्कुल मत करना. ये तो मैं एडवाइस 100% दूंगी. चलिए, आपके लिए आखिरी बहुत स्पेशल मैसेज. अरे ऐसे मौकों पर जब किसी एक हस्बैंड को बोला जाता है कि अपनी पत्नी के ऊपर कुछ बोलो, तो आदमी जिस तरह की बातें करता है वैसी मैं नहीं करूँगा. पल्लवी में वो सारी खूबियाँ हैं जो एक बहुत अच्छी पत्नी में, बेटी में, एक माँ में होनी चाहिए. उसकी तो 10/10 है. पर पल्लवी की कुछ दो ऐसी चीज़ें हैं विच आई एनवी, और मैं हमेशा सोचता हूँ काश मुझ में ये खास बातें होती. एक, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पल्लवी को रिलेशनशिप्स, पीपल, उनकी आदतें, उनकी चॉइसेस, उनकी लाइकिंग्स एक बार मिलेगी 10 मिनट के लिए, लेकिन अगर 6-10 लोग भी बैठे होंगे तो वो रिश्ते किसका किससे है, क्या है, पल्लवी कभी भूल नहीं सकती. मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ. अभी हम लोग कश्मीर फाइल्स के लिए हमने हंड्रेड्स ऑफ पीपल वी हैड रिसर्च्ड कश्मीरी पंडित फैमिली, और कश्मीरी पंडित फैमिलीज में नामों की बड़ी कमी है. आपको बहुत सारे लोग जो है वो सुरेंद्र कौल नाम या पूजा धर इस तरह के नाम से मिल जाएंगे. तो अभी हम जब उसकी एक सीरीज बना रहे थे कश्मीर अनरिपोर्टेड, तो उसमें बहुत सारे कुछ एक ऐसे नाम थे जो हमारे जो असिस्टेंट्स रिसर्चर्स जिनको पैसे मिलते हैं इस बात के, वो कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि 5-5, 6-6 लोगों का एक ही नाम था. एंड फाइनली गेस हु हेल्प्ड, पल्लवी.
पल्लवी को एक एक का नाम, एक एक की शक्ल, एक एक का घर, हम कब गए थे, उनने क्या खिलाया था, उनका क्या रिश्ता था, किससे आए थे, उनने क्या बात की, पल्लवी को सब पता रहता है। और इसलिए हम उसको कहते हैं ये हमारी फैमिली की एनसाइक्लोपीडिया है। दूसरी पल्लवी की एक बड़ी कमाल की जो आदत है वो ये है कि पल्लवी नेवर एवर कैन हर्ट एनीवन। मैंने आज तक, मुझे 30 साल से जानता हूं, मैंने आज तक पल्लवी को एक भी आदमी को कभी हर्ट करते नहीं देखा है, हर्ट होते हुए देखा है। आपको पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि पल्लवी ने कभी कोई ऐसी बात बोली जिससे किसी का दिल दुखा, किसी का नुकसान हुआ, संभव ही नहीं है। पल्लवी अपने दुश्मन के साथ भी उसी वॉर्म्थ के साथ बैठ के घंटों 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 बात कर सकती है जो शायद मैं कभी नहीं कर सकता। और दिस इज ऑल्सो वेयर पल्लवी कॉम्प्लीमेंट्स मी। और तीसरी जो चीज है विच आई कैन नेवर डू एंड आई विश अगले जन्म में भगवान मुझे ये क्वालिटी दे, पल्लवी नोज हाउ टू रिलैक्स। शी एक्चुअली नोज हाउ टू अनवाइंड एंड रिलैक्स एंड जस्ट चिल। जीवन की छोटी छोटी बातें, घर वाले लोग, पड़ोसी, सर्वेंट्स, कहीं भी किसी भी लेवल पे पल्लवी कैन रिलैक्स विच आई कैन नॉट। I think this is what makes Pallavi so beautiful and so wonderful a person to live with. I don't, can't imagine I can ever have a friend or forget wife like her. So this is Pallavi's side which perhaps you don't know. चलिए, now that he said that मैं किसी को hurt नहीं कर सकती, खुल के झगड़ा किया जा सकता है। किसका मतलब? अभी तक का सारा record clear है आपका कि अभी तक ये आपसे कभी hurt नहीं हुए। चलिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी आपसे शायद 2-3 घंटे और बातें करते रह सकती हूँ, फिर भी मेरे सवाल बचे रह जाएंगे। बट बहुत अच्छा लगा पल्लवी, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू जानकर, देखकर और आपकी इतनी अच्छी बातें सुनकर। चलते चलते मैं चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया पर हैं नहीं, जो सारे विवाद उठते हैं उस सबके जवाब विवेक अकेले देते रहते हैं, तो आज आपको अगर किसी से भी कुछ कहने का मन है, जितने लोग आपकी सारी फिल्मों पर जो सवाल उठाते हैं, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं, दिवाली का मौका है, जो कहना चाहें। कुछ नहीं, बस खुश रहो, आबाद रहो और कुछ अगर रंज है, बात करनी है तो बात करो, वैसे लिखो नहीं, आइए हमसे बात करिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास सवालों के जवाब है। ऐसे नहीं है कि हम ऐसी हवा में फिल्में बनाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी और दिवाली बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स, खासकर मैं कहती हूँ लड़कियाँ, कई बार कन्फ्यूजन होता है लाइफ में, ये रोल करें नहीं करें, प्रेशर्स होते हैं, बट आपने जिस क्लैरिटी के साथ अपने प्रोफेशन को फॉलो किया है, सारी एस्पायरिंग एक्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनिए। कभी कभी जवानी में हम लोग कभी अच्छे डायरेक्टर मिले इसलिए काम करते हैं, कभी अच्छे पैसे मिले इसलिए काम करते हैं, कभी अच्छे रोल मिले इसलिए काम करते हैं, कभी कभी किसी एक हीरो के साथ काम करना होता है इसलिए करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप के लिए भी करिए और आपको सबसे ज़्यादा खुशी उसी किरदार में मिलेगी। बहरहाल, आज तो मुझे बहुत खुशी मिली आपसे बातचीत करके। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं जिंदगी उत्रचा की टीम की तरफ से आपके लिए। अरे, ये तो बहुत बड़े तोहफे थे। हाँ, आपको छोटे छोटे हैं। योर टर्न नाउ। तो आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, इसके अंदर 5-6 कार्ड्स हैं, आप उसको दे दीजिए और कहिए योर टर्न नाउ। ओह, दैट्स नाइस, सो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, थैंक यू।